वेलकम टू सोनिया मार्टिन चैनल और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तो है ही, साथ साथ बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए बहुत अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी भी है ये और साथ साथ बढ़िया स्नैक भी है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू उबाल के रख लिए थे और अब इसको मैं ग्रेटर की मदद से कर रही हूँ ग्रेट। तो आलू उबाल के आप छन्नी में रख दें या फिर थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उनको फ्रिज में रख दें, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए आलूओं का, और उसके बाद उसको कर लें ग्रेट। इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है इसको बारीक बारीक। और साथ साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 2 गाजर ली थी मैंने स्मॉल साइज़ की, और उसको ग्रेट कर लिया, पील करके अच्छे से धोकर और बारीक बारीक इसको ग्रेट कर लिया है। साथ साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं 2 चॉप की हुई, और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज फाइनली डाइस की हुई। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें जाएगा कटा हुआ बारीक हरा धनिया, नमक डाल दें। उसके अलावा इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं ये, आधा चम्मच इसमें गया है लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप पोहा। पोहा मैंने आधा कप लेके हल्का पानी में धो के उसको छन्नी में ही छोड़ दिया था, जब सारा पानी उसका निकल गया, पोहा ड्राई हो गया, तो उसको डाल दिया है मैंने। तो पोहा डालने से बहुत मॉइस्चर कंटेंट इसका कम हो जाएगा और टिक्कियाँ क्रिस्पी बनने में मदद करेगा ये पोहा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। वैसे तो आप कॉर्नफ्लावर के अलावा इसमें राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ओट्स को मिक्सी में चला के बारीक पीस के ओट्स का मिक्स भी डाल सकते हैं, आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं करारे बनाने के लिए कटलेट को, साथ साथ जो रेगुलर हम चिप्स खाते हैं उसका भी आप चूरा बना के मिक्सी में उसको चला के वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी करारापन आ जाता है कटलेट या किसी भी तरीके की टिक्की में। अब मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ले लिए एक कटोरी में, और अब हम शेप करेंगे कटलेट्स को। तो ये मैंने कटलेट मिक्स रख लिया है, साथ साथ ब्रेड क्रम्स ले लिए, और उसके अलावा मैंने ले लिया ये थोड़ा सा ऑयल जिसे मैं हाथों को कर रही हूँ हल्का सा ग्रीस, ग्लव्ड हाथों को कर रही हूँ हल्का सा ग्रीस। और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लिया है ये कटलेट मिक्स का मैंने, और उसके बाद आप इसको कोई भी अपनी पसंद का शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे राउंड बना सकते हैं जैसे हम नॉर्मल टिक्कियाँ बनाते हैं, या इस तरीके से थोड़ा ओवल शेप दे सकते हैं, क्योंकि हम कटलेट बना रहे हैं तो थोड़ा सा शेप राउंड नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टिक्कियाँ भी ऐसे हम बनाते हैं घर में तो उसको गोल आकार ही देते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं तो बढ़िया लगते हैं कटलेट देखने में। अब बस इसको सिंपली ब्रेड क्रम्स में अच्छे से रोल कर लेंगे हम, और ये बनकर तैयार है बिल्कुल बढ़िया सा पहला कटलेट, जिसको रख देते हैं एक सेपरेट प्लेट में, और बाकी के सारे कटलेट भी हम इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो वैसे तो पोटैटो कटलेट्स में कोई भी वेजी नहीं डाला जाता, लेकिन मैंने इसमें गाजर और प्याज ऐड करी है, थोड़ा सा कलरफुल जब पोटैटो कटलेट्स लगते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, जब आप फर्स्ट बाइट लेंगे उसकी और सिर्फ आलू आपको दिखाई देगा तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा कटलेट्स और टिक्की में ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी गाजर, कटा हुआ धनिया से और प्याज से अच्छा सा कलरफुल सा लगता है कटलेट, जो दिखने में भी इंटरेस्टेड लगता है और खाने में तो बढ़िया लगता ही है। तो ये सारे कटलेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इसी तरीके से भी कटलेट बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और इसको आप इस टाइम भी इंस्टेंटली मतलब कि अभी एकदम से फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, क्लिंग रैप से कवर कीजिए और इसको फ्रिज में रख सकते हैं आप 6 से 8 घंटे आराम से, मतलब कि आप पहले इन एडवांस बना के रख सकते हैं कटलेट, और जब मेहमान आए तो गर्मा गर्म उसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो मैंने भी ये कटलेट 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि मुझे इसको थोड़ी देर बाद सर्व करना था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्लिंग रैप से कवर करा और इसको फ्रिज में रख दिया। आप एज इट इज़ भी इसको रख सकते हैं, बिना किसी चीज़ से कवर करे हुए फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, और बस उसके बाद मैंने अब इसको कर रही हूँ फ्राई। तेल मैंने अच्छा गर्म कर लिया था, लेकिन फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दिया है, पहले आप तेल को अच्छा तेज़ गर्म कर लें और उसके बाद फ्लेम को मीडियम रख के इसको चारों तरफ से जब तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक पकाएं। तो ये आप देख सकते हैं
एक साइड अच्छे से पक गई है तो मैंने इसको टर्न कर दिया ताकि दूसरी साइड भी पक जाए, और फिर हम जितना इसको डार्क करना चाहते हैं आप, जितना इसको और करारा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड उलट पलट करके अच्छा इसको करारा सा कर लिया दोनों साइड्स को, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्रिस्पी मुझे कटलेट्स पसंद है, थोड़े ज़्यादा ही करारे पसंद है। तो अच्छे से जब कोटिंग आ जाती है क्रिस्पी सी ऊपर, तब तक मैंने इसको पका लिया आप देख सकते हैं। और बस अब एक एक कटलेट निकाल कर हम सेपरेट प्लेट पर रखते जाएंगे। तो पेपर टॉवल मैंने लगा लिया है ताकि थोड़ा एक्सेस जो ऑयल है इसमें से वो ड्रेन हो जाए सारा। तो ये कटलेट बिल्कुल बनकर रेडी हैं आप देख सकते हैं, देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं कि फटाफट से बस सर्व कर दिया जाए और इन्जॉय कर सके इन कटलेट्स को। तो ये बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी स्नैक रेसिपी है, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को एज अ स्नैक भी दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना टी टाइम भी इन बढ़िया से कटलेट्स के साथ। स्पेशली बच्चे जो बाहर से फ्राइड चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं या कोई भी तरीके के तले हुए आलू हैं, जो बाहर से खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि कई बार फ्रोज़न पोटैटोज़ का भी, फ्रोज़न चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो घर में अपने सामने बने हुए पोटैटो कटलेट्स, हाइजीनिकली बने हुए, अपने घर के तेल में फ्राई किए हुए, बहुत ही बढ़िया है फॉर द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो ट्राई कीजिए ये रेसिपी, आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक हैव अ लवली टाइम, गॉड ब्लेस, एंजॉय एंड टेक केयर।